हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ ऋतु चैटर्जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऋतु मंत्रा। आज मैं ऋतु मंत्रा पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं हमको हेल्प करेगा और हम सबसे शायद रिलेट भी करेगा। तो ये वीडियो, ये टॉपिक है उन सभी लोगों के बारे में जो कहीं ना कहीं लेजी हैं या लेजी नहीं रहना चाहते, एक्टिव होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सुबह नहीं उठ पाते और उठना चाहते हैं। तो उसी के लिए अपने कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, लेजीनेस होने का सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है ना, या एक्टिव ना होने का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है, वो होता है आपके लाइफ में किसी गोल का ना होना। अगर आपके लाइफ में कोई भी गोल है और कोई भी आप किसी भी चीज़ के लिए एम्बिशियस हैं, तो मैं जी ये कहना गलत नहीं होगा, आपको अपना लेजीनेस छोड़ना, एक्टिव होना उतना ही इजी होगा। जस्ट डिपेंड करता है कि आपके गोल्स कितने बड़े हैं या आपका एम कितना बड़ा है। अपने गोल्स को बड़ा कीजिए, अपने एम को बड़ा कीजिए, देन आपकी लेजीनेस को आप क्विट कर पाएंगे। दिस इज द ओनली रीजन जिससे आप अपने लेजीनेस को क्विट कर सकते हैं। सेकेंड रीजन आता है कि हम सबको फूड जो लेना चाहिए वो हल्का फूड लेना चाहिए, मैक्सिमम फ्रूट्स, सैलेड और मैक्सिमम लिक्विड डाइट। एक्चुअली जानते हम सब हैं बट पॉसिबल नहीं होता या हम नहीं करते हैं, बट अगर हम चीज़ों के लिए फोकस हो जाए ना, तो हमें करने से कोई रोक भी नहीं सकता। सो सीरियसली, अगर आप कुछ चीज़ों पर अपनी लाइफ में काम करना चाहते हैं, अपनी बॉडी पे काम करना चाहते हैं, अपने थॉट्स पे काम करना चाहते हैं और इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा भी सीरियसली लेंगे तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। तीसरी चीज़ होती है कि संगत, एसोसिएशन, ग्रुप। आप अपने आप को किसी न किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट रखिए, ऐसे लोगों के बीच में लेकर आइए, ऐसे एसोसिएशन का पार्ट रखिए जो कि एक्टिव हो किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी फिजिकल वर्क में। देन आप चाहते ना चाहते उन चीज़ों को करेंगे। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हेल्प करेगा एक्टिव होने के लिए। फिर चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो सकता है, कोई गेमिंग क्लब हो सकता है, एनीथिंग गेम्स हो सकता है, एटलीस्ट आप वीकली जाके उसे खेलेंगे। तो जब आप एक ऐसे सर्कल में आएंगे, ऐसे लोगों के बीच में आएंगे, ऐसे लोगों के ग्रुप में आएंगे, सो कहीं ना कहीं आप एक्टिव होना स्टार्ट करेंगे। तीसरी चीज़ आती है, अपने प्रॉब्लम्स पे काम कीजिए। जो भी प्रॉब्लम या हर्डल आपके पास है उस पर वर्कआउट कीजिए, जो भी आपके लेजीनेस के लिए जिम्मेदार होता है, एक्टिव ना होने के लिए जिम्मेदार होता है, वो आप अपने आप से बात करने के बाद ही समझ पाएंगे। सो अपने आप से पूछिए, क्योंकि इस बात का आंसर आपसे बेटर आपको कोई नहीं दे सकता। देन ऑनेस्टली उसे समझिए और उस पर काम कीजिए, अपने हर्डल्स को दूर कीजिए। सो कहीं ना कहीं आप अपने लिए अपने आप को एक्टिव रख पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको एक्टिव रहने के लिए इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं किसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए बात नहीं कर रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी इंडिपेंडेंसी होती है या आप हो सकते हैं उसके लिए बात कर रही हूँ। अपने छोटे छोटे काम खुद करने की आदत डालिए, चाहे मार्केट जाना है, चाहे घर के काम है, जितना भी फिजिकली और मेंटली आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि वो सारे काम आप खुद करें। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट दूर होते हैं। जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, अगर आप वेट कर, आपको मार्केट कहीं जाना है और आप वेट कर रहे हैं कि आपके ब्रदर, फादर या हस्बैंड आपके पास आपके लिए आएंगे और देन आप वो काम करेंगे, और जब वो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे या नहीं वो काम हो पाएगा, तो आप इंटरनली इरिटेट होने लगेंगे। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, मेंटली भी, रिलेशन वाइज भी और भी। सो अगर आप अपने काम खुद कर लेते हैं, आप फिजिकली एक्टिव भी हैं, मेंटली भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई गुस्सा नहीं आएगा और आपके रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे। सो कोई भी काम, चाहे घर में कील लगाने का हो, मैटर नहीं करता कि आर यू मेल और फीमेल, ये काम हम कर सकते हैं। चाहे मार्केट जाने का हो, बैंक जाने का हो, बच्चों के स्कूल जाने का हो, एनी थिंग, जो भी काम फिजिकली और मेंटली आपके रीच में है, सो उसके लिए अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए। जितने ज़्यादा आप सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे मेंटली और फिजिकली, उतना आप एक्टिव रहेंगे और खुश रहेंगे। तो ये कुछ पॉइंट हैं मेरे। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे और आपकी डे टू डे लाइफ में आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। और प्लीज़, अगर आपको मेरा कोई भी बात इस वीडियो में की गई हो जो कि पसंद आई है, तो उसके लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड प्लीज़ ये जो बेल आइकन होता है ना, उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा,
सो दैट आने वाले टाइम में मेरे सारे वीडियो और उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू गाइस, नमस्कार।